Assalamualaikum, ji. My name is Dr. Shahid Masood, and uh, I'm a I'm a surgeon. My primary qualification is uh, uh, I did my as uh, uh, Sir just said, he just mentioned. I did my medical graduation from China Postgraduate Medical Center, and uh, when I finished my house job, I went to England and Ireland to do my uh, FRCS. FRCS because at that time most of the, most of my colleagues who were interested in uh, medicine uh, they were leaving for US and uh, my colleagues. एंड माई सेल्फ हु आर इंटरेस्टेड मोर इन सर्जरी वी आर लुकिंग टवर्ड्स इंग्लैंड और आयलैंड सो जब यहाँ से जाते हैं तो फिर एक नई दुनिया शुरू होती है और ख़ासतौर पर जब आप मिडिल क्लास से होते हैं तो फिर आप स्ट्रगल भी करते हैं और ये वो सारा तो अलग का शुक्र है कि वो वहाँ जाके बहुत कुछ सीखा रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन और आई स्टिल रिम्बर के वन आई वॉज He giving my oral examination of surgery. so my professor asked, ke how many laparotomies you have done? laparotomies means ke when you do a abdominal surgery, you just open the abdomen. so i said, sir, 350. what? 350. in my whole career, i am sitting here as a professor. i've just done 50 और 60 लेप्रॉटमीज एंड यू आर टेलिंग मी जी यू आर यू हैव डन टू फिफ्टी और थ्री फिफ्टी सो माई आंसर कराची एंड कराची में एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट जहां मेरे बाद डॉक्टर सीमी जमाली आई आपको शायद आपने नाम सुना होगा जिनका भी कुछ अर पहले इंतकाल हुआ कराची बड़ा वॉयेंट शहर था उस वक्त तो मैंने आई एक्सप्लन टू हम कि सर यहाँ पे बड़ा रूटीन हर दूसरे दिन एक रिपोर्ट में हमें करनी पड़ती है गन शॉट्स की वजह से या एक्सीडेंट्स की वजह से और बहुत कुछ सीखने को मिला उन्हें मैंने अपने टीचर को डॉक्टर कहा तो नाराज हो गए कहते तो नेवर एवर कॉल मी अ डॉक्टर आई एम अ मिस्टर मिस्टर ही सेड फिर मुझे पता चला कि मिस्टर एक टाइटल होता है बाकायदा जैसे सर एक टाइटल है इसी तरह मिस्टर भी एक टाइटल है तो आई वाज लाइक थोड़ा सा मैं तो मेरे लिए बड़ी अजीब बातें थी वहाँ पे तो आई कॉल इट डॉक्टर शाहिद 1.0 पॉइंट ओ आई केम बैक आई स्टार्ट टीचिंग मेडिकल स्टूडेंट्स एंड देन आई लेफ्ट फॉर माई फाइनल एफ आर सी एस आई जॉइंट इम्पीरियल कॉलेज आई वॉज डूइंग रिसर्च फेलोशिप डूइंग माई एम एस मास्टर्स इन सर्जरी

बारह सवा बारह बज रहे थे देर देर लुकिंग फॉर के यहाँ पे आके कोई उर्दू में uh, उनके साथ बात कर सके तो दे कॉल्ड मी दे सेंड मी अ कैब आई वाज देयर एंड वी वर शोइंग द सीएनएन फुटेज एंड आई वाज कमेंटिंग ऑन इट एज अ एज अ कमेंटेटर इन उर्दू दिस इज हाउ द प्राइवेट मीडिया इन पाकिस्तान स्टार्टड एंड देट दैट वन आर जो प्रोग्राम हो रहा था उस छोटे से ऑफिस से इट बिकेम ए आर वाई डिजिटल एंड दिस वॉज टू थाउजेंड वन सो आई गॉट द अपॉरचुनिटी टू वी इन अफगानिस्तान वर्किंग फॉर चैनल फोर यू के जब नॉर्दर्न लाइन्स एंटर हुआ आई गॉट द अपॉरचुनिटी फिर उसके बाद जब इराक वार हुई So I got the opportunity to be there. Or uh, when the statue came down, I was in Baghdad, the statue of Saddam Hussein or uh, 2002, uh, Geo came. So I'm talking about the pre-Youtube and pre uh, uh, Twitter and pre-WhatsApp era. So Uswakta uh, मुश्किल था काफ़ी ज़्यादा टिकर्स भी नहीं चलते थे ये टिकर फिर हमने बनाए उर्दू में बनाना सीखा कि उसको टिकर्स जो आप देखते हैं या ब्रेकिंग न्यूज़ उर्दू में देख रहे हैं ये कैसे बनती हैं और ये हाइब्रिड चैनल्स थे हाइब्रिड चैनल से मतलब ये कि एक ही चैनल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते थे न्यूज़ का भी आता था इंटरटेनमेंट भी उसी पर आता था यू यूज़ टू तो कॉल दि हाइब्रिड चैनल्स दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ मीडिया क्योंकि मुझे यकीन है इस बात का कि आप लोग मीडिया पर सवाल ज़रूर करेंगे तो लेटर ऑन फिर ये चैनल्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और फिर उसके बाद जो है वो नाउ वी आर इन टू सो दैट वॉज डॉक्टर शाहिद टू कि वेयर डॉक्टर शाहिद एज अ मेडिकल डॉक्टर केम इन द मीडिया और मीडिया में मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली क्योंकि बहुत दुनिया देखी घुमा स्पेशल जो मेरा मेरी रिपोर्टिंग थी वो थी कॉन्फ्लिक्ट जोन से सो आई कवर्ड अफगानिस्तान आई कवर्ड इराक आई वॉज़ एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ताकि ताकि के ना फैले और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो क्योंकि हमारे पड़ोस में जाहिर है कि एक जंग चल रही थी तो हमने बहुत ज़्यादा अरब स्प्रिंग को कवर नहीं किया लेकिन आई वॉज देयर आई वॉज इन इनकायरो वेन प्रेजिडेंट मुबारक रिजाइंड एंड आई वॉज इन त्यूनिस एंड आई वॉज इन लिबिया एंड आई वॉज इन सूरान एंड आई वॉज इन अरब स्प्री गेव माई फर्स्ट लेक्चर एट द ब्रूकिंग्स इन टू थाउजेंड अलेवन एंड दिडल ईस्ट एंड आई शेयर दैनल विदरल एंथनी जिनी और उसमें डिस्कशन ये हो रहा था कि uh, जो इस्लाम के मुख्तफ uh, मसालिक हैं वो हमारे यहाँ कुछ और हैं मिडल ईस्ट में आप जाके उनसे कहेंगे कि बरेलवी देवबंदी तो दे वोंट अंडरस्टैंड क्योंकि ये सारे सब कॉन्टिनेंट में हैं बरेलवी सब कॉन्टिनेंट देवबंदी वहाँ कुछ और हैं ठीक है तो यू गो इन लेबन से आई एम देवबंदी तो दे से वॉट क्या तो उनको समझ ही नहीं आएगा तो जब ये सारा चल रहा था सिलसिला मिडल ईस्ट का तो आई वॉज देयर कवरिंग द के इस्लाम के कैसे ये क्या सिलसिले मुख्तलिफ़ हैं और कौन किस को मानता है कौन किस को किसकी किस, किस मसल का है टू थाउजेंड फिफ्टीन फिफ्टीन में uh, कहीं मेरे जो कोलीग्स थे देवर दे स्टार्टेड कि ये इस तरफ जा रही है दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ और हम थोड़ा सा चूँकि खुद भी मीडिया में काम कर रहे थे तो फिर ये हुआ कि uh, थोड़ा सा मेरी इंक्लिनेशन हुई टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी uh, और ये फील आ रहा था कि ये ग्रेजुअली जो है ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है जिसको हम uh, कहते हैं uh, जो ये हम जिस मकसद के लिए यहाँ बैठे हों सो दिस इज़ डॉक्टर शाहिद मसूद 3.0 ठीक है तो सेकंड हो गया जिसमें मीडिया है पहला है जिसमें सर्जरी है, और 3.2 में फिर ये आपको आइडिया होगा कि मैं कैसे अपने आप को मिला रहा हूँ ठीक है क्या कॉमनैलिटीज क्या है इसमें सो आई विल डेडिकेट दिस टू सुहेल यंग बॉय फ्रॉम गुजरात विलेज नियर गुजरात ही uh, एक मिडिल क्लास फैमिली उसके बाद ये जिसने मेहनत की उसके बाद ये पढ़ा ये बड़ा होता गया स्कॉलरशिप पे ये बाहर चला गया एंड देन शादी भी इसकी हो गई और उसके बाद ये वहां पे पढ़ाने लग गया सबसे अजीब बात इसकी ये है कि ये बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किए हैं मैंने फोटोग्राफ्स इन 50 सेकंड्स इज इट ओके यू लुक एट द पर्सन दिस गाइड डजेंट एग्जिस्ट कोई वजूद नहीं है एंड आई थिंक द क्वालिटी ओके क्या कहते हैं आप ठीक है एंड लुक एट दिस वन एजेस हाथ एक्सप्रेशन आईज बैकग्राउंड इस फोटोग्राफ के बस छोटे छोटे आप नोट करें और आप मुझे बताएं कि कहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये जनरेटेड छोटी मोटी गलती शायद मिल जाएगी आपको गौर से देखेंगे तो लेकिन माई पॉइंट इस के दिस इज़ वेयर वी आर और इससे आपको अंदाजा होगा कि ये किस तरह की दुनिया है इससे पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे किसी मुल्क के प्रेसिडेंट की तस्वीर भी लग सकती है उसकी पूरी कहानी मैं बता सकता हूँ आपको मैं किसी फेमस पर्सनैलिटी की इस बच्चे की जगह किसी और का पूरा उसकी स्टोरी सुना सकता हूँ और आप उसको पहचान नहीं पाएंगे अगर आप उसको तेज़ी के साथ देख रहे हैं सो दिस इज़ वाट द ए आई टूडे अच्छा अब हिस्ट्री शुरू होती है अभी देखिए इंफॉर्मेशन आईटी की बात हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने कुरान शरीफ की तलावत सुनी इंफॉर्मेशन यानी जब से इंसान तख्लीक हुई है इन्फ़ॉमेशन के पीछे भाग रहा है ठीक है इकरा तो इंसान की जो में या उसकी जो जो चाहता है इंसान दो बुनियादी चीज़ें मैं चूँकि यहाँ पे टेक्निकल लोग बैठे हैं प्रोफेसर्स हैं टीचर्स हैं और फैकल्टीज के लोग हैं तो मैं बड़ी सादा से अल्फाज में बात करूँगा बहुत टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा पिछले आठ दस बारह सालों में कोई चार बीस तीस कॉन्फ्रेंसेस कोई ऑक्सफोर्ड के अंदर लैब्स अटेंड की कोई आ, लोगों से मुलाकात हुई अभी तेज़ी के साथ ही सारा कुछ सामने आ रहा है ये चार पाँच साल पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था और चार पाँच साल के बाद ऐसा होगा भी नहीं तो दो चीज़ें बुनियादी तौर पर इंसान की हमेशा से बात रही कि एक तो यह है कि मैं जहीन हो जाऊँ आलिम बन जाऊँ मुझे सब कुछ आता हो मुझे सब कुछ पता हो चार हज़ार साल पहले भी आप चले जाएँ तो भी ये सोचता था कि यार मैं सबसे ज़्यादा मुझे गाँव में मैं सबसे ज़्यादा जहीन हो जाऊँ और दूसरा ये कि मैं यहाँ रहा मैं बीमार ना हूँ मैं मुझे हमेशा ठीक होना चाहिए मुझे काम करना चाहिए मेरी लंबी उम्र होनी चाहिए दुआएं भी ऐसी देते थे लोग तो ये दस हज़ार साल पहले भी यही जुबिलत थी और दस हज़ार साल बाद भी यही जुबिलत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई इंटेलिजेंस की जगह और उधर एग्जिस्टेंस के लिए सिंथेटिक बायोलॉजी आ गई है तो बुनियादी तौर पे इसी की गिर सब कुछ घूम रहा है इंसान की जो ख्वाहिशात हैं उनमें कोई खास तब्दीली नहीं आई ना अब ये ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस ये मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा मैंने फैसला क्या करना है मैं, मैं मैं करूं या मशीन करे गाड़ी में बैठूं, तो ये तो मेरा फैसला होगा ना गाड़ी में बैठना गाड़ी में बैठने के बाद मैं सड़क पर निकलता हूं तो ए मेरा साथ देगी ये मुझे बताएगी अच्छा ऐसे करें यू ना करें जीपीएस काम करना शुरू करेगा जीपीएस वो नहीं है जो आज से पाँच साल पहले था या चार साल पहले था अब जीपीएस वो है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जो कि एआई से काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है वो आपको बता रहा है कि आगे ब्लॉकेज है इस तरफ ट्रैफिक ज़्यादा है इस तरफ ट्रैफिक कम है इधर सड़क पर मुड़े इधर सड़क पर ना मुड़ें कैसे बता रहा है वो ऐसे बता रहा है कि दूसरी गाड़ियों पर सेंसर्स हैं दूसरी गाड़ियों से डेटा जा रहा है ऊपर आपकी गाड़ी से भी जा रहा है वो सारा डेटा जो कलेक्ट हो रहा है उस डेटा से वो आपको बता रहा है कि आपकी गाड़ी यहां खड़ी है और उस तरफ रोड ब्लॉक है उस रोड का डेटा आपके पास शेयर हो रहा है उस गाड़ी में जो सेंसर है वो ये बता रहे हैं कि यहां से एक गाड़ी यू गॉट द पॉइंट तो ए हर चीज को आगे लेके जा रही है पहले वो सिर्फ ये था कि यहां से सीधे हाथ को मुड़ जाओ उल्टे हाथ को मुड़ जाओ अब ये आपको बहुत आगे की बात बता रही है सिंपली जीपीएस पे तो हर चीज़ अब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिला लें तो ऑगमेंटेड हो जाती है चीज़ बढ़ती है तो मेरे जैसे बंदे की कोशिश ये होगी कि अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प भी लें ताकि अपनी इंटेलिजेंस को हम बढ़ा सकें ना रिलाई करें आर्टिफिशियल पे ना सिर्फ रिलाई करें ह्यूमन पे और हम जो है वो ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस की तरफ जाएं। नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिबेटेबल है लेकिन मैं मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि चलें पहले मशीनरी आ गई वन में ये मेरा खास बहुत दफा आपने सुना होगा मशीन्स आ गई फिर उसके बाद बड़ा गैप लगा 170 साल यानी 1780 में ये स्टीम पार आती है और फिर 1900 तक 120 साल का गैप है फिर उसके बाद आ, बिजली आती है फिर उसके बाद कंप्यूटर आता है फिर उसके बाद लेकिन फिर तेज़ी आ जाती है तो आप यहाँ पे जो बच्चे जैन जी के बैठे हैं जैन जी जनरेशन जी जिसको कहते हैं यानी वो बच्चे जो आ, पैदा हुए हैं कहीं लेट 90s और जिन्होंने आँख खोली है तो इंटरनेट देखा है ठीक इंटरनेट को ही देखा है जिन्होंने वहाँ से शुरू कर लेते हैं तो इंटरनेट जिन्होंने खिलौने भी देखे हैं तो इंटरनेट के देखे हैं इंटरनेट से तो वहाँ से हो संभाला तो इंटरनेट था तो ये बच्चे जो हैं जब ये बड़े हुए हैं थोड़े से तो ये तीस साल पहले कहीं नाइन्टीज़ में कहीं पैदा हुए हैं बच्चे ठीक है मिड नाइन्टीज़ में ये रफ रफसा एस्टिमेट है लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये फिर तेज़ी के साथ चीज़ें बढ़ी हैं रेवोल्यूशन इंडस्ट्रिय रेवोल्यूशन तेज़ी से बढ़ा है Revolution, और एक तो इंटरनेट है अच्छा जिसने पहिया ईजाद किया होगा उसको कभी नहीं पता होगा कि पहिया आगे जाके क्या क्या करेगा पहिया तो ये व्हील है ना छोटा सा ये जो मेरे हाथ में इसके ऊपर भी व्हील लगा हुआ है आपने अपनी घड़ी खोलेंगे उसमें भी व्हील होगा किसी ना किसी फॉर्म में घूम रहा होगा ठीक है बल्ब के अंदर भी किसी ना किसी तो ईश्यू इसके जिसने इंटरनेट शुरू किया उसको कभी नहीं पता होगा कि इंटरनेट से क्या कुछ हो सकता है जिसने बिजली शुरू बनाई उसने तो कहा कि रोशनी आ गई है भाई लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ गई किसी को नहीं पता और उसको वो रुक नहीं सकी इसी तरह इंटरनेट बनाने वाले को भी नहीं पता था कि इंटरनेट कहाँ जाएगा और उसके बाद इंटरनेट ये 2020 में हम जो खड़े हैं ये जो जिस रेवोल्यूशन से अब हम गुजर रहे हैं ये वो रेवोल्यूशन है जो कि एआई और सिंथेटिक बायोलॉजी का है और इसे अगला जो रेवोल्यूशन है जिसको पोस्ट डिजिटल एरा भी कहते हैं वो भी शायद आप लोगों की ज़िंदगी में आ जाए आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा तो जनरेशन अल्फा की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा क्योंकि जनरेशन अल्फा वो है जो अभी चार साल पाँच साल दस साल ग्यारह साल के बच्चे हैं जो 2010 के बाद या ग्यारह के बाद पैदा हुए अच्छा अब आगे चलें अभी सारी वही बातें इसमें कोई नई बात तो नहीं है एप्लीकेशंस आ गई डीप लर्निंग आ गई उसके बाद डेली लाइफ के अंदर ये हो गया सारा आ, ये सारी एकेडमिक बातें हैं लेकिन मैं यहाँ से अपनी थोड़ी सी स्टोरी शुरू करता हूँ ये तीन लोग जो हैं इनका बड़ा रोल है सबकी जिंदगियों में दुनिया के और मेरे मैं ख़ासतौर पर इनमें से इनको सुना भी है इनसे मुलाकात का शर्क भी हासिल हुआ है मुस्तफ़ी सलेमान ये तीन लोग इनमें से दो जो हैं वो कंप्यूटर साइंटिस्ट और मुस्तफ़ी जो है मुस्तफ़ी वेरी बिलीन गाय कैब इन इंग्लैंड और फिर इन्होंने तीनों ने दो की मुलाकात यूनिवर्सिटीज़ में हो गई थी इन्होंने मुला मिल के आपस में ये कहा कि हम एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करते हैं 2011 2011-12 में इन्होंने डीप माइंड्स के नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया एक कंपनी बनाई और उसके बाद ये ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स की तरफ आते हैं या जो एआई की तरफ आते हैं वो गेमिंग की तरफ ज़रूर होते हैं क्योंकि गेम्स उनको बहुत कुछ सिखाते हैं यूजली दे स्टार्ट विद द गेम्स कि गेम्स में कैसे आगे चलना है तो ये गेमिंग से इन्होंने अपना काम शुरू किया अच्छा बोर्ड गेम्स आपको पता है कैरम लूडो ठीक है चेस तो दुनिया का जो सबसे मुश्किल बोर्ड गेम है उसका नाम है गो ये जो गो गेम है ये सबसे मुश्किल दुनिया का सबसे मुश्किल गेम खेला कहला, कहलाता है ये ढाई हजार साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है चाइना से और चाइना से इसकी हिस्ट्री दो हज़ार ढाई हजार साल पुरानी है और ये नाइनटीन बाय नाइनटीन का एक बोर्ड है और इस पर स्टोन्स हैं इसके जो जो इसके पीसेस हैं वो स्टोन्स कहलाते हैं और इसके बारे में चेस में सिक्सटी फोर स्क्वायर्स हैं 20 ओपनिंग मूव्स होती हैं गो में 361 पॉइंट्स हैं और हंड्रेड्स ऑफ ओपनिंग मूव्स हैं कई सौ तरीकों से आप गो का स्टार्ट कर सकते हैं ये ईस्टर्न एशिया में है साउथ ईस्टर्न में नहीं ईस्टर्न यानी चाइना ताइवान जो ईस्ट है बिल्कुल ठीक है मंगोलिया और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि इसमें 200 सौ क्वाड्रिलियन अब कॉर्ड्रिलियन क्या है मिलियन को भूल जाएं ट्रिलियन को भूल जाएं दो के आगे आप पाँच जीरो लगा के दो से मल्टीप्लाई करें और फिर कॉर्डिलियन तो फिर दो सौ तो ये जो है ये सिक्स ट्रिलियन एक टर्म है जो इसके लिए यूज होती है और ये कहा जाता है कि जितने एटम्स हैं शायद उसके इक्वल इसकी मूव्स बनती हैं टोटल ये इतना कॉम्प्लेक्स गेम है यू सर्च फॉर द गो गूगल uh, पे एंड देन विल फाइंड डिटेल अबाउट कि ये खेल कितना खौफनाक और कितना मुश्किल है इसको खेलना अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पे है क्वाड्रिलियन वो देखे आप थाउजेंड मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन तो I'm talking about 200 सौ है आई एम टॉकिंग अबाउट 200 हंड्रेड कॉड्रिलियन मूव है इसकी इस गेम की ठीक है ओके okay. नाउ अब क्या हुआ कि उससे पहले यानी आई गो आई टेक यू टू 1997 97 1997 में ये हुआ कि डीप ब्लू नॉट डीप माइंड डीप ब्लू वालों ने कैसप्र ऑफ वर्ल्ड चैंपियन आई के कंप्यूटर को बिठा दिया और उसने पहली दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन को एक कंप्यूटर ने शिकस्त दी तो 1997 इज द ईयर जहां एक कंप्यूटर ने एक ह्यूमन बींग को जो कि वर्ल्ड चैंपियन था चेस का उसको डिफीट दे दी तो 1997 जो है ये हमारी तारीख में बड़ा इसको याद रखा जाता है लेकिन गो के साथ कुछ अजीब सा हुआ खेल क्योंकि गो जो है वो चेस से बहुत कॉम्प्लेक्स है अब इन्होंने मशीन को ट्रेन कैसे किया यू मस्ट बी नोइंग कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक मशीन लर्निंग है और फिर एक डीप लर्निंग है आई थिंक दैट तो मशीन को आप ट्रेन करते हैं उसमें आप डालते जाते हैं जितना डेटा डालते जाएंगे उतना मशीन ट्रेन होती जाएगी और डेटा जो है वो अब तो बिग डेटा आ गया है उस उसमें थोड़ी देर में बात करता हूं ठीक है लेकिन इन्होंने मशीन को ट्रेन किया मशीन को ट्रेन कैसे करना किया इन्होंने कि उस उसका नाम उन्होंने रखा एल्फा गो ठीक है क्योंकि गो के साथ मुकाबला करना था एल्फ़ा गो उसको डेढ़ लाख खेल दिखाए यूट्यूब पे खेल पड़े हुए थे कुछ वो दिखाए कुछ लोग खेल रहे थे मशीन ऑब्जर्व कर रही है मशीन को वो सिखाते गए यू गॉट द पॉइंट मशीन को सिखाते गए मशीन सीखती गई कि ये मूव्स होती हैं ये मूव्स होती हैं ये मूव्स होती हैं है, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं मशीन सीखती गई सीखती गई सीखती गई और उसके बाद बंदा बैठा हुआ है सामने ठीक है ना ही इज ली सिल एंड ही इज अगेन द वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द गो मशीन ने इसको हरा दिया सो so, यह दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ, एक आ, साल है जिसमें मशीन नाइनटी सेवन में चेस और यहां पर मशीन उसको आ, मशीन ने उसको एल्फागो में हरा दिया लेकिन वॉट हैपन नेक्स्ट एक मरहला बड़ा अजीब सा आया एंड देट इज नोन एज मूव थर्टी सेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मूव थर्टी सेवन जो है इट्स अ लैंडमार्क मूव क्योंकि जब से गो स्टार्ट हुआ है और जितना मशीन को ट्रेन किया गया था जितने मशीन ने गेम्स देखे थे उसमें ये मूव नहीं थी मशीन ने कभी मूव थर्टी सेवन देखी नहीं हुई थी तो खेल के दौरान जब खेल हो रहा था तो एक जगह पे वो लीसी डॉल ने कहा तो जीत गया मशीन ने मूव थर्टी सेवन चली अब जो क्राउड देख रहा था सारा वो उसमें तो शोर हो गया कि ये क्या है ये तो पॉसिबल नहीं जो बंदा था वो भी तो पॉसिबल नहीं है तो पंद्रह मिनट का ब्रेक रहा उस खेल के दौरान विल फाइंड दीडियोज ऑन द YouTube. कि वॉट इज मूव थर्टी सेवन ना कभी किसी ने खेली ना उसने मशीन ने सीखा मशीन ने खुद जो उसके पास इंफॉर्मेशन थी ऑलरेडी जो डेटा था मशीन ने मूव थर्टी सेवन की तो देट वॉज द पॉइंट जहां से ये लोगों के जहन में आया कि क्या मशीन खुद भी कुछ कर सकती है फैसला मूव थर्टी सेवन तो ये बंदा जो था ये हार गया मशीन जीत गई उसके बाद ये जो है फिर उसके बाद ये आगे चला सिलसिला सारा एल्फ़ा गो के बाद एल्फ़ा ज़ाहिर इसके बाद तो इंसान आगे नहीं जा सका तो एल्फ़ा गो जो है उसके बाद वो एल्फ़ा ज़ीरो आया फिर उसके बाद एल्फ़ा प्लस आया वो आपस में मशीन्स खेलती रहीं खेलती रहीं खेलती रहीं रही, जगह पे जाके उन्होंने वो ये गूगल ने फिर उसके बाद ये आ, पूरा जो डीप माइंड था ये जो प्रोजेक्ट था पूरा ये गूगल के पास चला गया सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डीप माइंड है और जो मूव थर्टी सेवन है ना uh, ये लर्निंग कैसे है यू मस्ट बी अवेयर आपको पता है एलॉग्रिजम क्या होता है एनी वन एनी बडी सादा से अल्फाज में देसी अल्फाज में किसी कंप्यूटर को छोड़ देते हैं ना जरा कंप्यूटर में तो हर अब खाना पका रहे हैं ना खाना बनाना है घर में मसाला कितना डालना है मिर्च कितनी डालनी है ये एलॉग है आपने सुबह छह बजे उठना है छ बज के पांच मिनट पे छ बज के दस मिनट पे एक्सरसाइज के लिए छह बज के बीस मिनट पे ये एक सिस्टम बना हुआ है आपकी लाइफ का तो वो आपका एलॉग है खाने की रेसिपी है तो वो भी अलॉग्रिदम है कंप्यूटर जिस तरह काम एक खास टास्क के लिए कर रहा है वो उस कंप्यूटर का एलोग्रिदम है अगर मैं आपसे कहूं इस कंप्यूटर ने ये काम करना है तो ये उसका एलॉग्रिदम होगा ये उसके दूसरे टास्क से मुख्तलिफ होगा ठीक है यानी अगर आपने कोरमा बनाना है तो उसका एलॉग्रिदम अलग है अगर आपने दाल चावल बनाने हैं तो उसका एलॉग्रिथम अलग है दैट सिंपल हमारी जिंदगियों में भी एलॉग्रिदम्स हैं जो जिंदगियों में एलोग्रिदम नहीं होते तो लोग फिर गड़बड़ हो जाती है जैसे कंप्यूटर्स में हो जाती है <laughs> अच्छा लर्निंग टाइप सुपरवाइज अनसुपरवाइज्ड अच्छा मशीन को आप सुपरवाइज यानी डेटा को आपने देखा आपने उसको समझा उसको साफ किया डेटा को उसको लेबल किया ये कौन सा डेटा है कैसे है ये डिटेल बात है इसको कभी अगली किसी सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे अच्छा आ, और फिर कोर कंपोनेंट्स डेटा सेट्स न्यूरो नेटवर्क उस पर बात करते हैं एन एनहांस कैपेबिलिटीज ना वॉट इज डीप न्यूरल नेटवर्क आई विल नॉट गो इन डिटेल्स लेकिन यहाँ पे वो जो मैंने बात की बींग मेडिकल डॉक्टर और अ सर्जन हमारे ज़हन काम करता है हमारे ज़हन में न्यूरो होते हैं हमारे, हमारे जहन में न्यूरो बिलियन या कुछ इससे बताते हैं कि इसके से कम हैं या इससे ज़्यादा हैं लेकिन ये एक फिगर है जो कोट होती है और न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स जो हैं वो उनमें इनपुट आ रही है मैंने हाथ रखा यहाँ पे फीलिंग हुई वो जो है वो पूरी एक ट्रांसमिशन हुई आगे गया पूरा एक प्रोसेसिंग हुई न्यूरॉन के अंदर न्यूरॉन के बाद वो आगे उसका आउटपुट गया सेंसरी और मोटर ये आपको पता है ना सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो आपको सेंसिस फील होती है गर्म चीजें तो सेंस हुआ और आपने उस पर एक्ट क्या किया आपने हाथ पीछे कर लिया तो सेंसरी एंड मोटर क्या थी? कि ये मेज गर्म है आउटपुट क्या है हाथ पीछे कर लिया ठीक है प्रोसेसिंग कहां हुई दिमाग के न्यूरॉन में हुई क्लियर यहां से कॉन्सेप्ट बना कि आपने डीप न्यूरल नेटवर्क कैसे बनानी है डीप न्यूरल नेटवर्क्स जो न्यूरॉन है ये वही न्यूरॉन है ठीक है ये यहाँ पे इसको नोट कह लें न्यूरॉन कह लें वट एवर यू कॉल इट इसमें इनपुट है इनपुट क्या है यहाँ से डेटा आ रहा था ना कि ये मेज़ गर्म है ये फीलिंग हो रही थी आपको सेंसरी तो यहाँ पे आपने डाटा डाल दिया डेटा की प्रोसेसिंग हुई इन द न्यूरॉन्स और आगे उसकी फिर मुख्तलिफ लेयर्स हैं वापस में कनेक्टेड हैं जैसे दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में डेंड्राइट्स के साथ ये मुख्तलिफ और तरीक़ों से आपस में इंटर हैं आँख कान मुख्तलिफ एक कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है ना तो ये उसके बाद इनपुट हुआ रिस्पांस रिस्पॉन्स हुआ तो बेसिकली आप देखें तो ये बिल्कुल वैसे ही आपको नजर आता है तो यू कॉल इट अ डीप न्यूरल नेटवर्क अगेन अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग अच्छा अगेन वही है सारा ठीक है आर्टिफिशियल न्यू नेट न्यूरल नेटवर्क और डीप न्यूरल नेटवर्क इसमें और भी बहुत कुछ है लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा दैन वी हैव इमेज नेट कि हमने इसमें इमेज भी डाल दी और इमेज जब डालते हैं तो कंप्यूटर उसको पिक्सल्स की फॉर्म में पिक करता है uh, पिक्सल्स आपने सुना होगा ये इतने पिक्सल का कैमरा है ये इतने पिक्सल तो कंप्यूटर उसको इस फॉर्म में रीड करता है तो दिस इज़ कंप्यूटर उसको ऐसे ऐसे रीड कर रहे हैं आइदर दे आर रेड दे आर ब्लू और दे आर आर बी जी दे आर रेड ब्लू और ग्रीन और बाकी कलर्स वो जनरेट करता रहता है अगर सबसे कम इंटेंसिटी है तो जीरो जीरो पे वाइट आ जाता है अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है तो ब्लैक आ जाता है दरमियान में न्यूरॉन्स प्रोसेस करते रहते हैं और मुख्तलि कलर्स जेनरेट करते रहते हैं तो दिस इज हाउ द इमेज आर जनरेटेड और ये जो है ये भी अभी पिछले चंद सालों में हुआ है तेजी के साथ देन वी हैव इमेज रिकोगशन ठीक है जेफरी हिंटन अच्छा एलेक्स नेट को यहां पे आ, अगर हम ना इसको क्रेडिट दें जैसे डीप माइंड को दिया था एलेक्स नेट को ना क्रेडिट दें तो एलेक्स नेट जो है ये जेफरी हिंटन अभी भी आ, ये हयात हैं और इन्होंने अपने दो स्टूडेंट्स के साथ इनको फिर गूगल ब्रेन वालों ने ले लिया था गूगल ये ब्रेन में चले गए गूगल फोटोज़ वोटोज जो सारी देखते हैं जैफर हिंटन ने बनाई वेरी वंडरफुल गाय और इन्होंने फिर इमेज रिकग्निशन ये आर के साथ कैसे बनानी है और विजुअल टास्क कैसे हैं और फिर ये डिटेल्स सारी हम देख सकते हैं और एलेक्स नेट इनका प्रोजेक्ट था जिसने ये इमेज ये मुकाबले में हिस्सा लिया वहाँ पे जीत गए फिर उसके बाद आगे चले फिर ये सारा होता गया और ये पिक्सल्स को पढ़ना शुरू किया तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये ऊपर से तस्वीर है कंप्यूटर उसको पिक्सल की फॉर्म में पढ़ रहा है और फिर आगे उसको जनरेट कर रहा है तो जो डाटा है वो सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं जा रहा वो इमेजेस की फॉर्म में भी जा रहा है अच्छा अब इसको तेज़ी के साथ आगे बढ़ाते हैं आ, सो टाइप्स क्या हैं इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्नरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इसकी एबिलिटीज़ हैं और फंक्शनैलिटीज पे क्या है रिएक्टिव मशीन्स लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड सेल्फ अवेयरनेस ये सब कुछ है लेकिन इन रियलिटी साथ में से सिर्फ एक इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है विच इज़ द नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है नैरो ये है कि जी ये इंसान इसके ऊपर रहेगा ये इंसान से कम जानती है दैट इज़ द थ्योरी दैट इज द कि इंसान से कम जानती है इज डिबेटेबल कि क्या हम जर्नल ए तक पहुँच गए या नहीं पहुँचे क्या मशीन हमसे ज़्यादा सोच रही हैं कि नहीं सोच रही है। ये डिबेट चल रही है पूरी दुनिया में ट्रांसफार्मर्स फिर एक नई ये अभी चंद सालों के अंदर ही चैट जीपीटी चैट व्हाट इज चैट जीपीटी इट्स जनरेटिव जेनरेटिव मीन्स कि आपने बहुत सारा डेटा डाला है बहुत सारा डेटा बहुत सारा डाटा जितना आप डाल सकते हैं आपने इंटरनेट से उठा लिया आपने जो है वो इमेज उठा ली आपने आर्टिकल्स उठा लिए बुक्स उठा ली सब कुछ डाल दिया आपने न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर और मशीन में डाल दिया अब मशीन उसमें से जनरेट कर रही है नई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है कुछ ताल्लुक उसका मूव 37 से बनता है तो जनरेटिव प्री ट्रेन आपने उसको ट्रेन किया हुआ पहले से ठीक है एंड उसको ट्रांसफॉर्मर में से आपने गुजारा है इनकोडिंग है और डी कोडिंग है तो दैट इज नोन एज द जीपीटी जीपीटी इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर अब हम जनरेटिव एआई के ऊपर हैं आज की दुनिया ज्यादा जो चल रही है वो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग डीप लर्निंग का एक हिस्सा जो है वो जेनेटिक वे आई और फिर जेनेटिक वे आई के अंदर भी फाउंडेशन मॉडल्स के दरम्यान में आ रहे हैं उस पर आगे बात करते हैं अच्छा जी ये ट्रांसफॉर्मर्स आ गए ट्रांसफार्मर जो है ना बेसिकली ये तो अभी बहुत आखिर की चीज़ है पहले तो ये था ना कि आपने नैशनल एनएलपी आपको पता ही है जो आपका टेक्स्ट है यानी जो आपकी जबान है जो आपका आपके मैसेजेस हैं ठीक है तो पहले तो वो लैंग्वेज तक था लेकिन ट्रांसफार्मर्स में आने के बाद ये हुआ कि ट्रांसफार्मर्स में आपने बहुत सारा डेटा डाल दिया बहुत सारा डेटा आपने ट्रांसफार्मर्स में डाला और ट्रांसफार्मर्स ने एडवांस एन मॉडल्स बना के वो जनरेट करना शुरू किया और वो इस तरह से करना शुरू किया कि आप वो जनरेट कर रहा है और वो डेटा में से इस तरह से कर रहा है फॉर एग्जांपल मैं उसको पूरा इनपुट नहीं दे रहा मैं आपको सादर में समझ रहा हूँ मैं उसको पूरा इनपुट नहीं दे रहा पहले मैं उसको पूरा इनपुट दे रहा था कि मुझे एक ऐसी तस्वीर बना के बताओ जिसमें एक दरख्त हो उसके पीछे ये हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे ठीक है अब मैं उसको ये कह रहा हूं कि मुझे एक तस्वीर बना के बताओ जिसमें एक गांव अब वो मशीन अपने आप एक्टिव हो गई है और वो अगला जुमला मुझे वो सोच रही है वो जनरेट कर रही है ठीक है यू कॉट द पॉइंट वो जनरेट कर रही है मैं उसको पूरी डिटेल नहीं बता रहा आई विल गो टू इस्लामाबाद वाया अब मेरी हिस्ट्री उसके पास है कि वाया ट्रेन जाएगा वाया एरोप्लेन जाएगा उस डाटा इज देयर द होल डेटा इज देयर बुकिंग डॉट कॉम से भी आया हुआ है होटलों से भी आया हुआ है एयरलाइन से भी गया हुआ है टेलीफोन से भी गया हुआ है ईमेल से भी गया हुआ है व्हाट्सएप से भी गया हुआ है जितना सब वो आगे डेटा उसके पास मौजूद है दो तीन जुमले कहे मशीन ने काम कर दिया पूरा उन दो तीन जुमलों को या दो तीन अल्फाज को वी कॉल देम प्रॉम्प्ट। यहां से वो लफ्स निकलता है प्रॉम्प्ट या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देर इज नो नीड कि हम उसको पूरा एक सवाल लिख के दें जस्ट गिव फ्यू वर्ड्स बाकी काम मशीन का है ठीक है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट प्रोम्प्ट से निकला है ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर रहा हूं नो यू गो टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को आपने पूरी अब ये देखे ना कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मशीन uh, को मशीन के पास डेटा कितना डेटा आ रहा है हर रोज़ के हिसाब से वो मैं आपको अभी बताता हूँ हम कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं आप अपना अपने टेलीफोन से अपना व्हाट्सएप मैसेज डिलीट कर देते हैं डू यू थिंक कि वो डिलीट हो जाता है आप अपना अपने फ़ोन से अपना एसएमएस ख़त्म कर देते हैं यू थिंक कि वो ख़त्म हो जाता है आप एक वेबसाइट हटा देते हैं डू यू थिंक कि उसके ऊपर जो आर्टिकल आपने डाला हुआ था वो ख़त्म हो गया है ऐसा नहीं होता वो कहीं ना कहीं स्टोर होता रहता है और डेटा हर रोज हर रोज आप ये जितने बच्चे बैठे हैं ना मुझे नहीं पता कि आप लोग रोज हर रोज कितना डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं आप एक दूसरे को एसएमएस कर रहे हैं डेटा बन रहा है आप एक दूसरे से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं वॉइस कन्वर्ट हो रही है नंबर्स के अंदर डेटा बन रहा है कंप्यूटर्स के लिए आप तस्वीरें उतार रहे हैं एक दूसरे की फोटोग्राफ्स ले रहे हैं डेटा जनरेट हो रहा है हर रोज इतना डेटा जनरेट हो रहा है जो शायद पिछले कई डिकेड्स में इतना डेटा जनरेट नहीं हुआ था जितना हर रोज आप लोग कर रहे हैं अपने टेलीफोन से ठीक एक एवरेज जो आजकल बच्चा है या हम लोग हैं वो उसके बारे में ये एवरेज रिसर्च है एम की, कि वो हर तीन से चार मिनट के बाद अपने टेलीफोन को उठाता है तीन से चार मिनट के बाद और वो कम से कम दिन के आठ से दस घंटे ओवरऑल वो टेलीफोन पे होता है दिन में चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो ट्विटर पे हो चाहे वो व्हाट्सएप पे हो चाहे वो स्काइप पे हो तो ये डेटा जनरेट हो रहा है अच्छा अब ये आप देख लें जॉन वॉन्ट्स हिज बैंक टू डिपॉजिट ये आगे जुमले बनाता जा रहा है ठीक है वर्ब आया उसने आगे से बैंक लिख दिया फिर डिपॉजिट ये पूरा आगे से ये इस तरह से मशीन ट्रेन हो रही हैं वर्ड्स के साथ और ये में रखें कि जो मशीन ट्रेन हो रही हैं उनके पास डेटा पहले से पहुंचा हुआ है कोई नई चीज नहीं हो रही जिस जिससे मशीन ट्रेन हो रही है मशीन के पास ऑलरेडी मौजूद है आपका डेटा तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी हर एक की कोशिश यह है कि टेक्नोलॉजी सबसे पहले डिफेंस डिपार्टमेंट के पास है तो दे फाइनेंस वो सामने कौन है कौन से फेसेस हैं क्या है कौन से मिलियनर्स बिलियनर्स हैं लेकिन डिफेंस डिपार्टमेंट्स की हमेशा ही कोशिश होती है कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी आए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो दे फाइनेंस ऑल दीज बिग जो टेक कंपनीज हैं और ये जहन में रखें एक बात एक बात और आज की दुनिया में अगर आप मुझे पूछें ना कि कौन रूल कर रहा है तो शायद हो सकता है कोई कहे कि जी प्रेजिडेंट रूल कर रहे हैं ठीक है प्राइम मिनिस्टर रूल कर रहे हैं बट यू इफ यू आस्क मी तो मैं कहूंगा टैंक टेक कंपनीज रूल कर रही हैं ठीक है ओपन एयर रूल कर रही है अगर आप किसी और हवाले से पूछेंगे तो जियो पोलिटिकल हवाले से एक बॉर्डर यहाँ से मुल्क का शुरू होता है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है लेकिन अगर आप टेक डिपार्टमेंट टेक के बंदे से पूछेंगे तो ये कनेक्टिविटी की दुनिया है इट्स कनेक्टेड पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश अमेरिका चाइना ऑल कनेक्टेड एक दूसरे से बात कर रहे हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है ठीक है इधर का काम उधर हो रहा है उधर से पैसे इधर आ रहे हैं इधर से कोई बच्चा अमेरिका में जॉब कर रहा है कोई उधर से उसको आउटसोर्स हो यू गॉट द पॉइंट तो वो नहीं है कि जी हमें काम करने के लिए अमेरिका जाना है अम, यहाँ बैठ के वो अमरीका में काम कर रहा है सो दिस इज ये वो रेवोल्यूशन है जो हर जगह पर आया है लॉट ऑफ गाइज इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट दे विल नॉट ट्रेवल टू यू के और यू एस फॉर स्टडीज दे विल गेट द डिग्रीज हेर अभी भी ऐसे ही हो रहा है शायद दे विल गेट द डिग्रीज हेयर कम्प्लीट द डिग्री एंड यहीं पढ़ेंगे बैठ के और स्टैंडफर्ड की डिग्री ले लेंगे अच्छा अब अब ये फाइन ट्यूनिंग आ गई क्योंकि टेक्स्ट जनरेशन करना है तो फाइन ट्यूनिंग आ गई डेटा आ गया प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर्स आ गए जो GPT की बात भी हो रही थी उसको ट्यून कर लिया फाइन ट्यूनिंग डेटा उस पर टेक्निकल बात है ये एग्जाम्पल्स हैं कि प्रिडिक्टन आपने अगले जुमले की प्रोडिक्शन कैसे करनी है टू तो प्रॉम्प्ट मशीन को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं प्रॉम्प्ट को इस तरह से समझेंगे जैसे एक होता है ना वो आपने उसको चुटकी सी लगाई है और फिर उसने रिएक्ट किया खुद ही ठीक है तो दिस इज प्रॉम्प्ट ऐसे है अच्छा उसके बाद ये आप देखेंगे साथ ही थ्री आ गया थ्री पॉइंट फाइव आ गया फोर आ गया और बियॉन्ड आ, आ गया क्या होता है लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईक्यू आईक्यू लेवल यू नो व्हाट इज आईक्यू लेवल इंटेलिजेंट क्वेश्चन यू नो ना बेसिक पता है उसका आईक्यू का क्या है आईक्यू का बेसिक ये है कि आपकी जो फिजिकल एज है वो क्या आपकी मेंटल एज के बराबर है मतलब एक बच्चा यहाँ पे बाईस साल का है तो बाईस साल के बच्चे की जो होते फिजिकल एज है उसकी बायोलॉजिकल एज है क्या उसका जहन भी बाईस साल का है तो वॉट आई विल डू इज के उसकी एक एज को दूसरी एज से डिवाइड कर दूंगा तो सामने उसके हंड्रेड आना चाहिए तो इज़ ओके। okay. ठीक है? फिजिकल एज और जो मेंटल एज है और फिजिकल एज को डिवाइड किया हंड्रेड आ गया नॉर्मल अगर फिजिकल एज बाईस साल है और मेंटल एज सोलह साल है तो जीरो से हंड्रेड से कम आएगा एटी आएगा गड़बड़ है सेवेंटी आएगा बच्चा बहुत ही पीछे है और अगर हंड्रेड से ऊपर आना शुरू हो जाए बच्चा जहीन है बच्चा इंटेलिजेंट है बच्चा जीनियस है उसके फिर स्टेज शुरू होती हैं मेजॉरिटी जो है लोगों की वो कहीं सौ से पीछे है कहीं अस्सी है कुछ आप में से बच्चे अस्सी अच्च, होंगे अच्छा फिर इसको ऐसे नहीं जज कर जज करते आप कि जी इंग्लिश आती है तो आप जहीन होंगे ऐसे नहीं होता ये आपको फ्रेंच आती है तो आप या आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप इंटेलिजेंट होंगे इसमें और बहुत सारे टेस्ट होते हैं विदाउट डिग्रीज आपकी रेकग्निशन कैसी है आप ओरल बात कैसे करते हैं समझते कैसे हैं ये इंटेलिजेंस तो एवरेज ये होता है कि एक है किसी की तो बड़ा जहीन है बच्चा या नाइन्टी है तो पहले है वो भी चलेगा आइनस्टाइन का आई क्यू था और चैट जीपीटी का आईक्यू 155 है चैट जीपीटी 4 पे रुक गए हैं दुनिया रुक गई है कि चैट जीपीटी 4 का आईक्यू क्यू नहीं चेक करना गॉट इट चैट जीपीटी 3.5 का आईक्यू 155 है आइंस्टाइन 160 था चैट जीपीटी 4 पे पीपल हैव स्टॉप्ड कर चुके हैं वो सारा पब्लिक नहीं कर रहे इमेजिन के थ्री चैट जी फाइव क्या होगा सिक्स क्या होगा और फिर जब ये होगा तो फिर इंसानों की हैसियत क्या रह जाएगी <laughs> अच्छा जी आगे चलें। अब फाउंडेशन मॉडल आ गए फाउंडेशन मॉडल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और ये अभी बस ये अभी आप समझेंगे एक दो साल के अंदर ही दो तीन अभी अभी बस ये पोस्ट कोविड कहीं इसमें यह है कि इसमें पहले तो ये था ना कि टेक्स्ट को डाला तो जी मशीन ने आपको बता दिया इसमें आप दुनिया भर का डेटा डाल दें इसमें आप इमेजेस भी डाल दें इसमें आप वॉइस भी डाल दें ये जो टेलीफोन पे आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी डाल दें इसमें सारा हर किस्म का डेटा डाल दें तो ये उसमें से फिर रिकगनाइज़ भी करेगा एडॉप्ट करेगा फाउंडेशन मॉडल ये सवाल भी आंसर करेगा इसमें से इमेजेस भी जनरेट होंगी तो फाउंडेशन मॉडल इसमें सबसे जो आप समझें कि इस वक्त अगर कोई ऐसी चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वो वही है कि फाउंडेशन मॉडल्स डिफिकल्ट टू मेक अ फाउंडेशन मॉडल वेरी डिफ़िकल्ट अच्छा उसके बाद मशीन लर्निंग्स फीचर सेंट्रिक था फिर मॉडल सेंट्रिक हो गया डेटा सेंट्रिक हो गया जो जनरेटिव ट्यूनिंग आ गई अच्छा उसके बाद फिर बिग डाटा आ गया बिग डाटा ये बातें जहन में रखी हैं इसका वॉल्यूम इसकी वैरायटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वैल्यू इसकी वेरेसिटी और इसकी वेरिएबिलिटी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है डेटा के लिए अब हम डेटा की नहीं बिग डेटा की बात कर रहे हैं अब आप ये देखें ये वो है जो कुछ अर्से पहले था ये आपके टेलीफोनों में भी आप देखते हैं ना इतने जीबी का फोन है मेरा फोन इतने सिक्सटी फोर जी, जी बी है इतने की ऐसे होता है ना ये मेरे कम तो अब ये जीबी बी, बी को छोड़ दें आप आर टॉकिंग अबाउट पीटा बाइट एंड वॉट इज अटा बाइट इट इज इक्वल टू ट्वेंटी मिलियन फोर ड्रॉ फिलिंग कैबिनेट फिल्ड विद टेक्स्ट ठीक है या ये है कि ग्यारह हजार फोर के की मूवीज या फिर इसको दस बिलियन 1.5 का मतलब है कि 10 बिलियन फोटोज़ आपने ले ली तो ये जो है ये पीटा बाइट्स में वी काउंट देख रहे हैं आप व्हाट इज पीटा बाउट? अच्छा ये आपको लगेगा बड़ा अजीब सा कि फुटबॉल फुटबॉल फील्ड्स आपको पता है फुटबॉल अब यूज़ हो रही हैं उनमें भी सेंसर्स हैं आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ इट तो आपकी जो सेंसर्स हैं दे आर इवन इन द फुटबॉल्स जो आपके जो खेलने के हैं उसमें भी सेंसर्स हैं तो वहां से भी डेटा जनरेट हो रहा है हर रोज डेटा जनरेट हो रहा है अब आपके जो नेटफ्लिक्स है ये सोशल मीडिया का मैं आपको थोड़ा सा बात करके इसके बाद आगे निकलता हूँ अवेयर अबाउट डोपामाइन एडिक्शन डोपामाइन एडिक्शन डोपामाइन एडिक्शन जो है ना बड़ा सुकून देती है ये डोपामाइन जो है ना बड़ा कम मिलते थे पहले ये होता था कि कहीं खाने के बाद मीठा खा लिया मजा आ गया जी डोपामाइन रिलीज हुई दिमाग से या ये कोई अच्छी खबर सुन ली कोई अच्छा डोपामीन अब ये हुआ है कि क्योंकि सारा दिन आप टेलीफोन पे रहते हैं आप सोशल मीडिया पे रहते हैं आप थ्रू आउट तो आप डोपामीन एडिक्ट हो जाते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स जो हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा इशू है स्लीप डिसऑर्डर्स टेलीफोन से एडिक्शन अकेलापन टेलीफोन इज़ योर फ्रेंड रिलेशनशिप्स ख़त्म हो गए कम्यूनिकेशन ख़त्म हो रही हैं और तस्वीरें आती हैं ना लोग बैठे हुए आपस में सबने फोन उठाया हुआ है और पीपल फील के अच्छा जी मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में से मैं सोने जा रहा हूँ बट दे गो और वो अपने मोबाइल फ़ोन पे लग जाते हैं तो डोपामीन एडिक्ट होते जा रहे हैं ग्रेजुअली जितने लोग डोपामीन एडिक्ट हो रहे हैं दे आर हैविंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स अच्छा उसके बाद ये अब आप देखें एक दिन में डेटा पाँच पीटाबाइट डेटा एक दिन में प्रोसेस हो रहा है पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एक पीटा बाइट क्या था पांच पीटा बाइट एक दिन में और एवरी डे वी क्रिएट इतने क्वारिलियन बाइट्स ऑफ डेटा 90 परसेंट वर्ल्ड डेटा टूडे हैज़ बीन क्रिएटेड इन लास्ट टू इयर्स। 90 परसेंट जो डेटा है वो भी एसएमएस, एस तस्वीरें डाली से इमेज बनाओ मिड जर्नी से बनाओ सारा डेटा बन रहा है ना व्हाट्सएप करो इसकी तस्वीरें उतारो उसकी तस्वीरें उतारो ये करो वो करो सारा दिस इज़ ऑल डेटा व्हाट्सएप बात करते हैं दो घंटे की वो बात करके फ़ोन ख़त्म नहीं वो डेटा वो 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 डेटा पढ़ाए गई ठीक है अच्छा जी और ना वी आर मूविंग टू क्वांटम नॉट गोइंग इन डिटेल लेकिन कुछ सालों के बाद ये जो कंप्यूटर्स आप यूज़ कर रहे हैं कन्वेंशनल कंप्यूटर्स ये शायद ख़त्म हो जाएंगे एंड विल हैव कोांटम कंप्यूटिंग एंड वाट इज़ कोांटम कम्प्यूटिंग कोांटम कम्प्यूटर्स के अंदर इसमें तो आपको बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ हर चीज़ कंप्यूटर को यानी मैं आप सारे लोग कंप्यूटर को जब कंप्यूटर समझता है तो वन और ज़ीरो की फॉर्म में समझता है एक ही डायरेक्शन में लेकिन जब ये चला जाएगा टू वर्ड्स कोंटम कम्प्यूटिंग तो उसके बाद होगा ये होगा कि ये इसके ऊपर इक्विबिट्स में चला जाएगा इसकी आप समझें कि ये एटम के अंदर यानी सब एटॉमिक लेवल पे कंप्यूटर डिसाइड करेगा इस तरह समझें आप कि लैब्स के अंदर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं फिर कंप्यूटर्स के अंदर लैब्स होंगी ठीक है आपके कंप्यूटर्स में लैब होंगी आप ये देख लें कि आपके मोबाइल फ़ोन्स ने पिछले चंद सालों में क्या क्या चीज़ें ख़त्म की हैं दुनिया से कौन कौन सी जॉब्स खत्म कर हैं? कौन कौन सी इन्वेंशन खत्म कर हैं? आप में से जो भी बच्चे मिड में या थर्टीज में आपके देखते ही देखते रिमेंबर आईपॉड? याद है किसी को आईपॉड? किसी को डीवीडी प्लेयर याद है कौन लुक एट द नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा और एडिक्ट कैसे किया आपको उसने नो लैगोरिज्म you know, कैसे बनते हैं अब अब कैसे बन रहे हैं नेटफ्लिक्स के क्योंकि जो भी एप्लीकेशन बन रही है ना उसने ये पूरी कोशिश करनी है कि आप उसके एडिक्शन उसके एडिक्ट हो जाए मतलब आप उसको छोड़े ना चाहे मैंने ट्विटर बनाया है चाहे मैंने यूट्यूब बनाया चा... वो चलेगा उसी और जब आप उसके एडिक्ट होंगे तो व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन द नेटफ्लिक्स ऑटोमेशन एक किस्त खत्म होती है तो साथ ही आना शुरू हो जाता है देखा नीचे इतने सेकंड्स के बाद द नेक्स्ट एपिसोड विल स्टार्ट नोट किया आपने पहले नहीं था तो आप कहते हैं एक मिनट ठहर जाओ यार दस सेकंड तो रह गए हैं दस सेकंड के बाद ही अगली खुद ब खुद आ जाएगी यूट्यूब आपका जहन पढ़ रहा है आप अभी यूट्यूब से पाकिस्तान में बैठे हैं आप जरा अपने यूट्यूब को खोलें और पांच दस उसमें इंडियन सॉन्ग सुने या मेदी हसन की गजलें सुने उसके बाद YouTube आपको खुद ही मेदी हसन या उससे रिलेटेड गज़ने सुनाना शुरू कर देगा डू यू थिंक यही फ़ोन नाइजेरिया में भी चल रहा है नहीं नाइजेरिया में वो उनकी उनके लोगों को एडिक्ट यूट्यूब कर रहा है उनको वहां के कुछ और दिखा रहा है ठीक है ना तो किसी भी एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन बनती है उनकी पहली कोशिश होती है कि उसको लॉग्रिजम ऐसा हो यानी उसकी रेसिपी ऐसी हो यानी हलीम इतनी अच्छी हो या आलू गोश्त इतना अच्छा हो कि आप एक दफ़ा खा लें तो बार बार खाएं दैट इज़ वॉट एलाउडम इज इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज ये जब आएगा क्वान्टम कंप्यूटिंग आएगी तो आपके ये जो नॉर्मल कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हैं ये गायब हो जाएंगे क्योंकि अभी तो हम फाइव जी पे नहीं हैं अभी तो सिक्स जी पे दुनिया जा रही है लेकिन यह है कि ये कंप्यूटर्स ही कुछ और इनका इनक, इनका तरीका ही कुछ और है और कभी जिंदगी रही तो इस पर डिटेल में बात होगी सो दैट इज द फ्यूचर क्लाउड बहुत सारा डेटा आ गया डेटा आ गया कहां सेव करना है क्लाउड में करना है सर्वर्स रखे हुए हैं कंपनीज ने क्लाउड के अंदर वो डेटा सर्व हो रहा है लेकिन एक इसमें जो है एक इशू जिसको यहां पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है वो यह है कि आप जितना ज्यादा जितना ज्यादा आप जा रहे हैं डिजिटल एरा में ग्रेजुअली उतना आप अनसेफ होते जा रहे हैं और आज से मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाह रहा लेकिन मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो एक्चुअली होने हो रही है आज से कुछ अर्से के बाद ये जो आउटसोर्सिंग और कम्युनिकेशन थ्रू टेलीफोन्स और ई और ये सारा सिलसिला शायद लोग कम कर दें उसकी वजह यह है कि ये सब हैक हो रहा है जितना आप डिजिटल पे जा रहे हैं उतना मतलब एक मतलब मैं फजूल सी बात करने लगा हूं लेकिन बहरहाल बात तो है फजूल सी हो मतलब तो शुड शुड आई अपने ऊपर नहीं वाई शुड समी हाई जैक प्लेन वाई वो कंट्रोल टावर को क्यों ना हैक कर ले सौ जहाज टकरा जाएंगे इज अ टेररिस्ट यू गॉट द पॉइंट सो द मोर यू बिकम डिजिटल द मोर चांसेस ऑफ साइबर अटैक्स आर देयर अब कंपनीज ने अपना सारा डाटा डाला हुआ है क्लाउड में तो क्लाउड के हैकर्स साथ साथ साइबर सिक्योरिटी विल बी देयर द मोर यू गो ऑन द डिजिटल साइड क्वांटम कंप्यूटिंग क्लाउड सर्विस उसकी जो दूसरी साइड है वो भी साथ साथ एक्टिव हो रही है एंड दैट इज हाउ टू सिक्योर योर डेटा अब देखा आपने आता है वो पासवर्ड डालो पहले होता था ना पासवर्ड क्या है डालना है जी वालदा का नाम डाल दिया ऐसे ही होता था, था ना चंद साल पहले या डेट ऑफ बर्थ डाल दी अब क्या कहता है कंप्यूटर आपसे स्ट्रोंग पासवर्ड हम सजेस्ट करें अच्छा मशीन सजेस्ट करती है तो आपका क्या ख्याल है उसे वो होता है वो उनके पास होता है जिनके पास जिनकी वो मशीन है सो दे हैव है एक्सेस ठीक है तो मशीन आपको बताती है नहीं स्ट्रॉग करो मीडियम अच्छा ठीक है अब ना ठीक है इसमें अल्फाबेट्स भी डालो इसमें साइंस भी डालो इसमें ये पासवर्ड और अब तो विदाउट पासवर्ड्स आई थिंक यू नो देट के पासवर्ड्स के बगैर कंप्यूटर्स अच्छा जी तो ये हो गया एलोग्रिदम्स ये नियर्स ब्रैक प्रो, बैक प्रोपगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि उसमें ये होता है कि बहुत सारा डेटा गया गड़बड़ हो गई एरर हुआ उसने वापस भेजा फिर गया फिर मशीन में एरर हुआ फिर उसने वापस भेजा वो ठीक कैसे करता है उसके वेट्स ऊपर नीचे करता है आपको होगा अंदाज़ा वेट्स उसके ऊपर नीचे किए और फिर आगे गया फिर पीछे गया आगे गया पीछे गया तो मशीन जो है अपने आप को करेक्ट करके आगे इसमें और ये लफ्स भी जो है ना मैंने आपसे कहा ना कि मेडिकल के लफ्स आते हैं तो जो मशीन गड़बड़ कर दे कंप्यूटर उसको क्या कहते हैं हेलुसिनेशन अगेन इट्स अ मेडिकल टर्म हेलुसिनेशन आवाज़ें आ रही हैं है यू टॉक टू अ डॉक्टर ही विल टेल यू व्हाट इज हेलुसिनेशन मुझे डॉक्टर साहब आवाज़ें सुनाई देती हैं मुझे कुछ चीज़ें नजर आती हैं ठीक है दीके? <laughs> उसके लिए जो एग्जैक्ट लफ्स है उर्दू में वो इस्तेमाल होता है हज़ियान हेलूसिनेशन तो कंप्यूटर जब इस तरह की शुरू कर देना एरर उसमें डेटा खराब हो डेटा ठीक ना हो मशीन में एरर आ जाए तो दे कॉल इट हेलुसिनेशंस तो वर्ड्स तक इसमें मेडिसिन के यूज हो रहे हैं तो मेरे लिए चीज़ें समझना कंपेरिटिवली इसलिए ज्यादा आसान है नो यू गो टू जी पी टी वन पॉइंट फाइव बिलियन पैरामीटर्स 1.7 बिलियन 1.7 ट्रिलियन तक जम कर गए पैरामीटर्स इतनी तेज़ी के साथ तरक्की हुई और ये एल एल एम्स हम बात कर चुके हैं तो जनरेटिव वे आई इज़ अब मतलब ये ओवरलैप हो रहा है मशीन लर्निंग ये पूरी इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है डीप लर्निंग अंदर जनरेटिव आ गई और ये एक सफ़र है जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से लेके उसके बाद फिर कंप्यूटर्स uh, ने उसको जनरेट करना शुरू किया और अंडरस्टैंड करना शुरू किया एक्चुअली अंडरस्टैंड दरम्यान में होना चाहिए ये एन पहले है अंडरस्टैंड करेगा फिर जनरेट करेगा आप स्लाइड्स में देखने में इसको बहुत सिंपल लगेगा आपको बट वैन यू डू इट प्रैक्टिकली ना देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़ एंड हाउ इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट एज वेल अच्छा अब आप आ जाए अप्लीकेशन्स म्यूजिक बन रहा है आर्ट डिजाइन वर्चुअल वर्ल्ड फैशन प्रोडक्ट फ्रॉड डिटेक्शन डिमांड फॉरकास्टिंग आपने अपना नाम बदल के कुछ भी रख लें डू यू थिंक कि उनको नहीं पता दे विल लेट यू गो करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें अच्छा कॉन्फ्रेंस कपल ऑफ इयर्स बैक तो दे सेड के डॉक्टर uh, शाहिद आपको पता है ये टेलीफोन्स के ऊपर हमने ये जो टच है टच सिस्टम आ गए हैं टेलीफोन पे। तो तो कंपनी में उसका नाम नहीं लूँगा उनके फोन्स पे जो टच सिस्टम है इससे आपके फ़िंगरप्रिंट जाते हैं एंड इफ यू गिव यू टेलीफोन टू समवन एल्स तो वहाँ से सुपर कंप्यूटर ये पड़ेगा कि इसका फोन इस वक्त ये यूज़ नहीं कर रहा कोई और यूज़ कर रहा है अच्छा जी तो दैट्स इट फ्यूचर ऑफ ए अब ये स्टेटिक इमेज़ टैगिंग ये इतने मिलियन डॉलर्स 2025 तक यूज़ केसेस हो जाएंगे यू नो व्हाट इज़ यूज केस यूज केस जो कि एक्चुअली यूज़ केस आपको पढ़ते रहना चाहिए व्हाट इज़ यूज केस यूज़ केस है कि ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है कुछ और आपको सीखने में मदद मिलती है यूज़ केस ठीक है तो यूज़ केसेस आ रहे हैं